नमस्कार दोस्तों, आज 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज के प्याज के क्या कुछ बाजार चले, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। और दोस्तों आपको मौसम की जानकारी दे दें, दिल्ली में बरसात तो नहीं है पर आज मौसम ठंडा बना हुआ है, आसमान में काले बादल हैं और मौसम सुहावना हो गया पर हल्की हल्की सुबह के टाइम बिल्कुल हल्की ना मात्र की बरसात भी आई, ये कोई ज़्यादा नहीं पर मौसम ठंडा हो गया। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट है जी, बिक्री कैसी चली, प्याज की क्वालिटी भी एक से एक आने लगी जी। अब तो चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी, माल कहाँ क्या है, बिक्री कैसी चली। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी। नमस्कार योगेश भाई साहब जी, क्या पोजीशन है जी मंडी में, कितनी गाड़ियां हैं जी आज? देखो जी, 14 गाड़ी पुणे की हैं, 6 गाड़ी एमपी, 5 गाड़ी नासिक, 8 गाड़ी राजस्थान, 33 गाड़ी ताजा है। अच्छा। अराइवल कोई ज्यादा नहीं है, 33 गाड़ी तो कुछ भी कल नहीं भी, है। कल भी 35-36 गाड़ी बिकी थी बारिश के माहौल में भी। अच्छा जी, बाद में जो बरसात आ गई। हाँ जी, हाँ जी, आज भी बारिश का माहौल है, इतनी गाड़ियां फिर भी 35-40 गाड़ी आज भी बिकेंगी। अच्छा जी, ऊपर नीचे मिला के 75-80 गाड़ी है, कोई माल ज्यादा नहीं है यार। ग्राहक आज घूम रहे, अभी क्या चक्कर हो रहा है इधर से? राणा जी एक्चुअल क्या है, बारिश की वजह से ग्राहक थोड़ा लेट निकलता है। अच्छा जी, आप ये मान के चलो 9 बजे हैं, ग्राहक 10, 10:30, 11 बजे अब ग्राहक निकल रहा है। अच्छा, पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि मार्केट 2-3 दिन से सुधार में है, पीछे यहाँ भी सुधार में है, पीछे भी सुधार में है, पीछे सब जगह जो मार्केट 28 से 30 रुपए की मार्केट थी, वो मार्केट कल 30 से 34 रुपए की मार्केट हो गई पीछे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे एमपी हो, कहीं का भी इलाका हो। अच्छा, देसावर के इलाकों में अच्छा तेजी का माहौल देखने के लिए मिला, जो तो इसलिए मिला। हाँ, उसका कारण है क्योंकि 10 अगस्त आ गया और हमने लोगों को कहा था कि 10 अगस्त को 2-3 रुपए के बाजार सुधरेंगे। उसका सुधार का कारण ये है कि राजस्थान में धीरे धीरे प्याज कम हो रहा है और राजस्थान की भी अपनी डिमांड होती है। अच्छा, 100 गाड़ी राजस्थान भी पूरा प्याज खाता है, खाता है जी, ज्यादा खाता है, वहाँ तो वो खाटू शाम जाते और जगह प्याज के पकोड़े ही बना के बेचते हैं और प्याज का वो पाउडर सा लगा के क्या आलू को देते हैं जी वो। देखो जी, राजस्थान के अंदर तो आपको पता है मसाले सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। हाँ जी, और प्याज भी एक जनरल गिनती में मसालों की गिनती में आता है, वैसे सब्जी और मसाले इसका दोनों का इसी कंडीशन साथ में। हाँ जी, तो आप ये मान के चलो राजस्थान में भी डिमांडें आ गई है, थोड़ी बहुत श्रीनगर, पंजाब लाइन, ये सब लाइनें अब खुल गई है, आने वाला जो समय है वो अच्छा ही रहेगा प्याज का। ठीक है जी, काफ़ी लोग डरे हुए हैं, एक बात और बता देता हूँ, सरकारी प्याज से कोई डरना नहीं है, 20,000 गाड़ी गवर्नमेंट के पास प्याज है। कितनी जी? 20,000 गाड़ी, 5,00,000 मेट्रिक टन में 25 टन की 20,000 गाड़ी बनती है। ठीक है जी, ठीक है जी, 1,000 तो 5 का 5 क्या इनका सारा सुरक्षित निकल जाएगा बिल्कुल। और मैं समझा देता हूँ लोगों को, काफ़ी लोग क्योंकि हमारे चैनल को मेरे ख्याल से रोज 5-7 लाख आदमी रोज देखते ही देखते हैं जी। 1,000 टन में 25 टन की 40 गाड़ी होती है, 10,000 टन में 400 गाड़ी होगी, 1,00,000 टन में 4,000 गाड़ी होगी, 4,000 को 5,00,000 मैट्रिक टन से गुणा करोगे आप तो गाड़ियाँ होगी 20,000। 20,000, ठीक है जी, 20,000 टन स्टॉक लगाया, 20,000 गाड़ी, हाँ 5,00,000 मैट्रिक टन स्टॉक लगाया गवर्नमेंट ने, 20,000 गाड़ी। ठीक है जी, उसमें से जो परिस्थिति इस साल प्याज की है, हाँ जी, वो 12 से 14 हज़ार गाड़ियाँ निकलेंगी, क्योंकि सोटे, डैमेज, काफ़ी चोपड़ा, काफ़ी चीज़ें प्याज में से निकलती हैं। ठीक है जी, तो 12 से 14 हज़ार, और आज एक्सपोर्ट और इंडिया को मिला के रोज़ की खपत जो इंडिया में हमारे में 2,500-3,000 गाड़ियों की है। ठीक है जी, 3 को हटा दो आप 2,000 भी गिन लो जी। ठीक है, तो 8 दिन का माल है सिर्फ सरकार के पास, काफी लोग डरे हुए हैं कि सरकारी माल, जो सरकार के वाला सारा काम छोड़ दें, बिल्लो जी सरकार आप ही बेचो आप ही करो, तो सरकार जो है ना बाहर की और यहाँ की डिमांड करके 8 दिन 10 दिन या 15 दिन का लगा लो जी। राणा जी 15 दिन तो हो ही नहीं सकता है, 8 दिन भी मैक्सिमम, अगर आज अगर नेफेड और एनसीसी अपने गोडाउन चेक करे तो 20,00,000, ये 5,00,000 मैट्रिक टन तो पूरा आज की कंडीशन में भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, 1,00,000-2,00,000 कम ही मिलेगा। तो ये चीज़ें देखो, कभी भी आप क्या, व्यापारी क्या, हम क्या, एक्सपोर्टर क्या, इंपोर्टर क्या, सरकार क्या,
हमारी जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में हम चाइना से भी ऊपर है मेरे हिसाब से। ठीक है जी, क्योंकि देखो बांग्लादेश में भी गलत हो रहा है, 5-7-10 दिन से जो भी हो रहा है उसकी वजह से भी हमारे देश में घुसपैठ हो रही है, क्योंकि सबको जो प्यार और सबसे इज्जत वाला जो देश लगता है वो भारत ही लगता है। ठीक है जी, तो सब इंडिया की तरफ आने का रास्ता देख रहे हैं, तो देखो हमारे देश की जो आबादी है मेरे हिसाब से वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ के किसान जितनी कैपेसिटी स्टोरेज की रखते हैं रखने की किसी भी कंट्रियों में नहीं है। ठीक है जी, आप कहीं भी चले जाओ जितना स्टोरेज हमारा यहाँ का किसान रखता है अपने अपने सबने चाल बना रखी है अलग अलग। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ये इंडिया एक हमारा ऐसा मुल्क है अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिवाज है हर चीज़ की। ठीक है जी, जोधपुर में अलग रखने का सिस्टम है, कुचामन में अलग रखने का सिस्टम है, MP में अलग रखने का सिस्टम है, महाराष्ट्र में अलग रखने का सिस्टम है, बिहार में अलग रखने का सिस्टम है, तो ये काफ़ी नेचुरल किसानों ने पुराने टाइम से रखने के रख रखाव के लिए बना रखे हैं और बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, क्योंकि देखो सरकार कभी भी और सरकार भी कहती है कि हमारी पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे, सरकार भी ये बात बोलती है कि किसान ही भंडारण करता है, उसी की वजह से देश की पूर्ति होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ का हो, चाहे आटा हो, गेहूँ हो, हर चीज़ हो। आज भी आप 10-15% लोग कोटे से खाते होंगे, बाकी 90% तो लोग किसानों से जुड़े हुए अनाज से भी। ठीक है जी, तो देखो काफ़ी लोग डरे हुए थे कि सरकारी 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 20,000 गाड़ी, ये सरकारी नासिक के कुछ गांवों में इतना प्याज हो जाता है 20,000 गाड़ी तो कुछ गांवों में। ठीक है जी, ऐसे ऐसे गांव हैं कुछ बेल्ट में नासिक एरिया में जिनमें एक एक गांव में 700-800-800-1,000 गाड़ियाँ होती है प्याज की पैदावार। अच्छा जी, तो देखो इस चीज़ से घबराना नहीं है और ना घबराओगे उसी की जीत है। आज आप बात करते हो लहसुन की और मैं बात करता हूँ प्याज की, लहसुन में बाजार भी देखो ऑटोमेटिक बनाया हुआ वो बाजार है, कंट्रोल बाजार, ना तो फसल कोई ज़्यादा है ना कम। तो ये चीज़ आप किसान हो या व्यापारी हो ये आप नेचुरल अपने दिमाग से निकाल दो कि हमारे यहाँ की खपत कितनी और सरकार के पास कितना है। अगर 8 दिन सरकार का चालू भी हो जाता है तो स्टार्टिंग बेस में 8 दिन अगर किसान उस टाइम पे माल कम लेके गए, आज कल अच्छा राइवल देखने के लिए मिला था महाराष्ट्र की मंडियों में 500-500 ट्रैक्टर, 600-700, 700-700 ट्रैक्टर, अगर 15 दिन बाद सरकारी माल चालू भी होता है, 20 तारीख से सुनने के लिए आ रहा है, 20 या 25 तारीख से NCCF चालू हो जाएगा। ठीक है जी, तो रोज 200 गाड़ी 400 गाड़ी इंडिया में, और 200-400 गाड़ी इंडिया में प्याज की नज़र नहीं आती है जी। ठीक है जी, क्योंकि काफ़ी बड़ा देश है हमारा और 2,000-2,500 गाड़ी रोज की खपत है और एक्चुअल खपत है, ये हर आदमी को भी पता है कि इतनी खपत है ही है। है जी, क्योंकि हम दिल्ली के हिसाब से बता रहे हैं, दिल्ली एक छोटा स्टेट है, आबादी जरूर अच्छी है दिल्ली में, 6-7 करोड़ के आसपास की आबादी है, 5-6 करोड़, यो भी NCR की मिला के अपनी तो नहीं गए हैं, NCR की, जैसे इसमें गुड़गांव भी आ गया और भी आ गया और सारे। नॉन वेज साउथ के मुकाबले यहाँ 30% कम खाया जाता है। ठीक है जी, ठीक है जी, जैसे बंगाल के अलावा और साउथ के अलावा जैसे हैदराबाद उधर ज़्यादा नॉन वेज खाया जाता है, हमारे यहाँ 30% कम खाया जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ दिल्ली और NCR में रोज 150 गाड़ी प्याज बिकती है, 40 गाड़ी आजादपुर, 15 गाड़ी ओखला, 15 गाड़ी गाजीपुर, 10 गाड़ी केशवपुर, 4-5 गाड़ी नसीरपुर में बिकती है, नजफगढ़ की मंडियाँ होगी, काफ़ी कंपनियाँ गुड़गावा, साहिबाबाद, फरीदाबाद, तो रोज़ 150 गाड़ी 25-30 टन वाली बिकती है यहाँ पे। ठीक है, आप एक्चुअल रिपोर्ट लगाओगे तो ऑल ओवर इंडिया की रिपोर्ट आ जाएगी, तो इस चीज़ से कोई ना डरे, बाजार अच्छे रहेंगे, हिम्मत का काम है। ठीक है जी, जैसी आपने हिम्मत बनाई रखी है बाजारों में आज भी कंट्रोल से, सबसे बड़ी बात इस साल राणा जी MP वालों की मज़ेदार बात है, इन्होंने अराइवल नहीं बढ़ाया इस साल इंदौर मंडी में, 40,000-50,000 और अच्छी बात है। देखो अराइवल अगर इन्होंने नहीं बढ़ाया तो इससे बाजार कंट्रोल में है और इतना प्याज है नहीं कि नवंबर दिसंबर तक पुराना प्याज चलेगा। ठीक है जी, ये मैं आपको आज बता देता हूँ, क्योंकि जो रिपोर्टें अब निकल के आने लग गई हैं साउथ में भी, जो अगले दिन 10 दिन बता रखे हैं बारिश के ज़्यादा बता रखे हैं। अच्छा जी, बारिश ज़्यादा बता रखी, जिन जिन इलाकों में प्याज है वहाँ ज़्यादा बारिशें हैं, और अभी कोई 1-2-4-5-10 गाड़ी स्टार्ट हुई है नए की, अगर 5-10 दिन में, हम नहीं चाहते कि नुकसान हो उनका क्योंकि वो किसान भी हमारी कंट्री से ही है। ठीक है जी, बट इसके आगे कुछ कर नहीं सकते, अगर वो फसल खराब हो गई
तो फिर प्याज कहाँ से आएगा जी? एक्चुअल में प्याज आएगा कहाँ से? क्योंकि जो हमारे देश के आप ये नासिक और एमपी के अंदर जो प्याज बची, अगर नया 100-200 गाड़ी से ज़्यादा अगर ना निकले तो अगस्त और सितंबर में पूरा एमपी भी खाली हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि अभी अगस्त भी पूरा पड़ा है, सितंबर भी पूरा पड़ा है, और महाराष्ट्र तो देखो हर साल नवंबर दिसंबर तक पुराना प्याज कुछ इलाकों में चलता ही है। और जो भाई जैसे मैं बोलता हूँ भी एमपी अजब है और गजब है, अभी तो हैं अजब है और बाद में जो कभी भी उन्होंने गजब कर दिया जी, वो लाख सवा लाख डेढ़ लाख कट्टे ऐसे निकाल दिए। देखो जी इस बार नहीं मिलेंगे, अच्छा लाख सवा लाख डेढ़ लाख कट्टे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हुआ क्या है, कंडीशन शुरुआत से अच्छी बनाई इन्होंने, हर किसान ने जिसके पास चार गाड़ी थी दो गाड़ी बेची है इस 10-15 दिन के पीरियड में भी, जिन्होंने प्याज नहीं बेचा था उन्होंने भी दो दो तीन तीन गाड़ियाँ प्याज बेची है। ठीक है जी। और जो ना बेचे देखो उससे बड़ा हम कुछ कह भी नहीं सकते, चाहे कोई किसान हो या व्यापारी या कोई भी, वो गलती कर रहे हैं जी। ठीक है जी। कहाँ 15 रुपये प्याज था, कहाँ 30-32-33 रुपये आ गया है, फिर भी आप आधा नहीं बेच रहे हो तो 40 कैसे होगा? ठीक है जी। लोग कहते हैं कि 40 सेठ जी कैसे होगा, तो 40 तो तब होगा ना, तब उसमें से कुछ बेचोगे सारे, थोड़ा थोड़ा हल्का भी करें। तब शॉर्टेज अगर थोड़ी आप थोड़ा थोड़ा इसमें निकालोगे। और अब एक बात और बता देता हूँ आपको, जो भी गेम है बारिश के ऊपर है साउथ में, अगर बारिश साउथ में हो गई तो बाजार सीधे 5-7-8-10 रुपये किलो जंप मारेंगे, और बारिश नहीं हुई तो बाजार भी फिर भी 30-35 के बाजार चलेंगे। ठीक है। 8-10 दिन का टाइम लगेगा, वो कारण इसलिए लगेगा कि अब सावन लास्ट चल रहा है, मेरे ख्याल से ये लास्ट सोमवार होगा जो आने वाला ये सोमवार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये लास्ट सोमवार है सावन का, तो इसके बाद में हमारे यहाँ जो काफ़ी धार्मिक लोग हैं 50-60-70 गाड़ी का उनका भी फर्क पड़ जाएगा। ठीक है जी। बांग्लादेश की भी डिमांड चालू है, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, रोज 100-125-150 गाड़ी जा रही है। ठीक है जी। इस टाइम मलेशिया कोलंबो की भी डिमांड 2-3 दिन से अच्छी डिमांड है, कल भी नासिक से 100-200 कंटेनर निकले हैं, कोलंबो हो चाहे मलेशिया हो। तो देखो रिपोर्टें सब सही है, ना रिपोर्टें कोई हल्की है ना कोई फर्जी बाजार है प्याज में। राणा जी आप मानोगे नहीं, पिछले साल कुछ लोगों ने, हम किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहते, कुछ लोगों ने पिछले साल बेकार 100 बिक जाएगी 125 बिक जाएगी, तो ये फर्जी बाजार नहीं बता रहे हम आपको। हमने आपको कहा था कि 2-3 रुपये का सुधार होगा, 2-3 दिन का सुधार होगा, हो गया जी। और अब जो सुधार होगा ये 5-7 दिन में, अगर एक्चुअल बारिश हो गई साउथ में तो 5-7 रुपये किलो का बस सुधार होगा, अब 1-2 रुपये का नहीं होगा। ठीक है। ये 30-35 का लेवल 8 दिन बाद में बिल्कुल जम जाएगा भाव। ठीक है जी। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये बाजार चले ही चलेगा। आज बाजारों की बात करें तो देखो जो आज क्या बोल रहे हैं साहब, इनको भी आपकी दुकान पे टिकते ही नहीं है, सारे एकदम दौड़ के भागते हैं। देखो जी 2 दिन से जो प्याज 1300-1320-30 बिक रही थी, आज वो 1400 रुपये बिक रही, 2 रुपये टाइट। तो ये पीछे 2 रुपये टाइट है तो यहाँ भी 2 रुपये टाइट, भागे फारे बस आप इधर से उधर घूम रहे हैं, कहीं कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी फड़ से हमें मंदा। देखो हर आदमी घूमता है, किसान का खरीदार का भी यही लॉजिक होता है कि कहीं मंदा मिल जाए मेरे को तो गुजारा हो जाए। ठीक है। ये चीज़ अच्छी बात है, पूरी मंडी घूम फिर के लो, लेना तो पड़ेगा, लेना आज लो चाहे कल लो चाहे परसों लो। ठीक है। प्याज ये तो है नहीं कि आपको प्याज दोबारा से 1200 रुपये मंड में मिल जाएगा 1300 रुपये मंड में, वो सपने गए, वो वापिस अभी लौट के आएंगे नहीं। ठीक है। क्योंकि एक्चुअल जो है वो पीछे भी बाजार मंदे नहीं होते। मैं काफ़ी देर पहले खड़ा था ना दुकान पे, जब आप यहाँ आएंगे वो घूम के चले जाएंगे, आएंगे घूम के चले जाएंगे, बस इधर से उधर उधर से इधर बस चल रहे। देखो जी ये घूमना फिरना कहीं ना कहीं दाव लगाने में रहते, ग्राहक कहीं मंदा संदा मिल जाए, कोई पुराना बैलेंस पड़ा हो। अच्छा जी। बाकी व्यापारियों ने भी रोक दिया आपको भी अभी तेज जी? देखो व्यापारियों ने भी रोक दिया, पीछे एक्चुअल में तेजी है तो यहाँ तेज करके बेचना पड़ता रहा। ठीक है जी। कंपटीशन के बाजार है, पीछे आजकल व्यापारियों के पैसे बनने भी बहुत भारी हो। आज के पहले एमपी के रेट बता दो जी, ये कहाँ के माला जी है? ये तो सारी पुन्ना बेल्ट के हैं जी, ये वाली लाल जाली में नासिक लगा है ये वाली। हाँ जी, वो एक गाड़ी बीच वाली एमपी की भी है, मोटे माल की। अच्छा जी। अच्छा जी। आज के एमपी के रेट जी, ये कहाँ का है कॉर्नर का? ये भी नासिक का है जी। अच्छा जी। अच्छा, तो आप बात करें जी एमपी के बाजारों की, तो एमपी के बाजार 30 रुपये से लेके 1200 से लेके ऊपर में 33-34 रुपये तक के बाजार। अच्छा। क्योंकि वो कलर और वो चमक पत्ती नहीं है जो पुन्ना बेल्ट में आ रही। ठीक है। पुन्ना की बात करें तो हम यहाँ पे हमारी मंडी में 33 रुपये से लेके 36-36.5 को एक आधा लाट 37 भी बिका है। अच्छा। और ज़्यादा जो बाजार है
वो आप ये मान के चलो 34-35-36 का बाजार, ठीक है जी। इसके बाद नासिक की बात करें तो नासिक के बाजार जो हमारी मंडी में है 34-35, कोई VIP आ जाए तो 36, ज़्यादा 34-35, 33-34-35 का बाजार है, ठीक है जी। इसके बाद बात करें राजस्थान की प्याजों की, तो अजमेर के जो प्याज आ रहे हैं मंडी में 32 रुपये से लेके 35-36, कोई एक आधा VIP आ जाता है 37 भी बिक जाता है। मथानिया की कोई गाड़ी नहीं है, बट मथानिया का बाजार भी 30 से लेके 32-33 का बाजार। कुचामन की जो प्याजें हैं, पीली पत्ती अच्छी प्याज है, वो भी आज मंडी में 33 रुपये से 35 रुपये की पोजीशन के अंदर में है, ठीक है जी। क्योंकि वहाँ भी माल कोई ज़्यादा नहीं रह गए कुचामन में। फिर यानी सबसे जो इन में गया, चाहे 1 रुपये का डिफरेंस हो, वो MP में गया जी, नीचे में। बिल्कुल, देखो जी MP पहले भी था, MP में क्या था राणा जी, क्वालिटी थोड़ी, गर्मी ज़्यादा, क्या होता है जो क्लाइमेट का जो असर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है नॉर्थ इंडिया से लेके MP तक ज़्यादा होता है। इस साल 50-54 डिग्री का टेम्परेचर पड़ा, तो प्याजे सब कोई ब्लैक हो गई, कोई कुछ हो गया, अब बारिशें ज़्यादा हो रही तो ब्लैक पड़ रहा है, तो ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही। महाराष्ट्र में नुकसान नहीं, अच्छा महाराष्ट्र में जो पिछले साल जो नुकसान था वो इस साल महाराष्ट्र में नहीं, ये एक्चुअल। या फिर इनका मंदा जाया करता था राजस्थान वालों का, हाँ जी, इन राजस्थान का थोड़ा मंदा जाता था, इन्होंने पहले निकाल दिया वो। इस साल क्या हुआ, देखो सुधार हो रहा है क्वालिटी का, राजस्थान वालों की जो क्वालिटी थी वो अच्छी क्वालिटी थी, मई और जून के महीने में क्वालिटी देखने के लिए मिली नहीं। इनका नासिक पुना से भी तेज बिका, तो इन्होंने 80% माल मई जून जुलाई में निकाल चुके। आज कुचामन की बात करो तो पूरे कुचामन में 200 गाड़ी से ज़्यादा प्याज नहीं। उदयपुर वाटी की बात करो तो 200 से 300 गाड़ी हैं। अजमेर की बात करो तो 200 से 300 गाड़ी प्याज है। आप मथानिया की बात करो तो 500 से 700-800 गाड़ी प्याज है। तो 1,000-2,500 गाड़ी पूरे राजस्थान में प्याज की बची हैं। और MP देखो, MP तो स्टार्ट हो गया बिकना, बेचना स्टार्ट कर दिया, बड़ा एरिया कुछ कह नहीं सकते है कम। MP का तो वो महाकाल को ही पता जी, वहाँ भी इनके क्या चीज़ है जी। MP हमारा देश का मध्य के बीच में, मध्य प्रदेश, लंबाई ज़्यादा है जी, लंबाई चौड़ाई में एरिए में, इसीलिए इसको बीच में बसाया गया था, नाम मध्य प्रदेश MP इसीलिए रखा था कि बीच का क्षेत्र है ये, सारे देश को देखना है इसको। उज्जैन का जो ज्योतिर्लिंग है, हाँ जी, महाकालेश्वर, वो धरती का सेंटर है, पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी की धुरी है, वह धुरी बोलते हैं जिसको। तो राणा जी जिसको सेंटर में बैठाया जाता है ना, उसको पूरा देश संभालना पड़ता है, और MP वाले पूरा देश संभाल के चलते हैं। ये कहते हैं कि वह लास्ट में चाहे 20 बिक जाए, पर देश में ये कोई ना कहे कि MP में प्याज खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये बोल दो मैं, ये MP अजब और गजब है। देखो अभी तक तो अजब है, कभी एक बाद में गजब ना कर दे। देखो MP अजब और गजब है, और आपके चैनल से MP के अंदर काफी लोग आगे बढ़े हैं, चाहे वो अमरूद की फसल में हो, चाहे वो लहसुन की फसल में हो। सबसे आज अगर इंडिया में हमारा जो, देखो मैं हर स्टेट वाइज की बात करूँ तो आज के दिन जो पॉपुलैरिटी हमारी सबसे ज़्यादा है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, ठीक है जी। क्योंकि बिल्कुल स्टिक जानकारियाँ गई हैं महाराष्ट्र वालों के पास भी, राजस्थान वालों के पास भी, MP वालों के पास, और MP वालों ने फ़ायदा उसका पूरा उठाया, ठीक है। वो लहसुन हो चाहे, क्योंकि लहसुन देखो जो लगातार पिछले 2 सालों से जो आप रिपोर्ट देते आ रहे हो चैनल के माध्यम से, माल नहीं कम है, मार्केट को संभालो है। जैसे आज की रिपोर्ट आपने दी ना, हाँ जी पूरा गणित बता दिया, हाँ जी बिल्कुल। जो इसको गणित को समझेगा किसान, बिल्कुल उसमें तुरंत एकदम हौसला आ जाएगा, बिल्कुल व्यापारी में हौसला आ जाएगा, और जो लेने वाला है ना, हाँ जी ये नहीं है खाली ये पैदा करने वाले देख रहे, लेने वाले भी तो देखते हैं, देखो जी, उनको भी इसका जब पता चलेगा ना ये गणित है, वो भी कहेगा भी ले लो भाई, कभी कुछ बाद में और महंगा ना हो जाए, वो भी लेगा। गणित सबको पते चलेंगे, क्योंकि इसमें काफी लोग देखते हैं, सरकारी अधिकारी भी देखेंगे कि 8 दिन का ही प्याज इतना बस, तो वो भी सोच के थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे कि 12-15 लाख मैट्रिक टन 8 दिन का ही है, ठीक है जी। हमें तो आगे बढ़ाना चाहिए, पर बढ़ाएंगे कहाँ, ठीक है जी, इतनी स्टोरेज नहीं कर सकते, 5 लाख 10 लाख रख लेंगे ज्यादा, 8 दिन 16 दिन क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हिम्मत रखो, ऐसा कुछ नहीं है, आप ये मान लेना कोई एक नया इलाका चालू हो गया बेलगांव का, जब सरकारी चालू हो तो यही मानना कि एक नया इलाका चालू हो गया, 100 गाड़ी तो 100 गाड़ी रोज की निकल रही है, ये मत बाजार को इस साल ये बिगाड़ेगा भी नहीं, क्योंकि सरकार की जो प्रक्रिया है इस बार ई नाम से होने वाली है, जैसे ई नाम पोर्टल आने वाला है, क्योंकि जो हमको नेफेड और NCCF की जो सूचनाएँ मिली हैं तो ई नाम से प्याज बिकेगा तो मतदानी बिकेगा, ठीक है जी। और सरकार को ने भी 30 वाला प्याज आज सरकार को 50 रुपये किलो वही पड़ता है, 30 में लगाया था, 70% लेंगे, भाड़ा किराया वारदाना रखने की जगह का किराया लेबर
सब लगा कि आज सरकार ने जो प्याज रखा हुआ है सरकार को ही 50 रुपए किलो प्याज पड़ता है वो। ठीक है जी। हाँ जी, या तो आप सरकार से पूछ लो, रिपोर्ट ले लो किसी मंत्रालय के माध्यम से, भाई सरकार को आज क्या रेट प्याज पड़ता है, तो 50 रुपए किलो आज सरकार को प्याज पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, अपना काम करते रहो धीरे धीरे। जिसके पास 2000 कट्टे हैं वो 1000 कट्टे अगर सितंबर में बेच ले, 1000 अक्टूबर में बेच लेना, जिसका मन है वो पूरा बेच ले, कोई रोकथाम वाला ये सिस्टम तो है नहीं। ठीक है। एक आदमी या 100 आदमी के बेचने से ये भी नहीं होगा कि बाजार डाउन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा अब। ठीक है जी। क्योंकि 8 दिन के बाद में, जैसे ही 15 अगस्त के बाद में बिक्रियाँ, बिक्री तो अच्छी थी पीछे भी, 2-3 दिन से थोड़ी बारिश ज़्यादा बता रखी थी दिल्ली में मौसम विभाग ने, पूरा अलर्ट था हरियाणा पंजाब दिल्ली, तो इसकी वजह से है ये। अब सोमवार से देखना बिक्री की रंगत अलग ही होगी। ठीक है। क्योंकि अराइवल 30-40 गाड़ी से ज़्यादा दिल्ली अब आएगा नहीं, हिम्मत नहीं है जी। 12 लाख की एक गाड़ी हो गई है। अच्छा जी। 12 लाख की एक गाड़ी प्याज की बैठती है, और आज के टाइम पे 12 लाख की गाड़ी भरवाना, किसान को भरना है, व्यापारी को भरना, बहुत भारी बात है कंपटीशन के बाजार। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282, योगेश शर्मा। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।